कैमरा तो गजब का डिवाइस है जिसने हम इंसानों की जिंदगी को सहूलियत भरा बना दिया है। कोरोना काल में तो ड्रोन हमारे लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ था। आमतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार ड्रोन कैमरे में ऐसी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन पर किसी को भी विश्वास ही नहीं होता। वियर्ड थिंग्स कॉट ऑन ड्रोन सीरीज के पार्ट 2 में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस का कलेक्शन लेकर आए हैं जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूं तो बरसों से नॉर्थ अमेरिका में हिम मानव को देखे जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार यहाँ के जंगलों में जो दिखा वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आंखों देखी घटना है। दरअसल कैंस नाम का एक यूट्यूबर बर्फीले जंगल में मामा बियर को खोजते हुए कार ड्राइव कर रहा था, तभी पेड़ों के झुंड में उसे एक बड़ा सा बंदर चलता हुआ दिखा। ये देख कैंस दंग रह गया। उसके लिए इस घटना पर यकीन कर पाना बेजा मुश्किल था। उसने हिम्मत नहीं हारी और उस इलाके को ड्रोन से रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान उसे जो दिखा वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी था। उसे उस ड्रोन वीडियो में एक बड़ा सा बंदर दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलता दिखाई दिया। लंबे और घने बालों वाला यह जानवर बिगफुट यानी रहस्यमयी मानव की तरह लग रहा था। हालांकि कैंस के इस वीडियो में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी में बिजली चोरी प्रशासन के लिए एक बड़ी सरदर्दी है। इससे निपटने के लिए यूपी के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ड्रोन की मदद से चोरी को रोकने की तरकीब लगाई, जिसका नतीजा यह हुआ ड्रोन कैमरे ने कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए कैद कर लिया। लोग अपने घरों की छतों पर भरी दोपहरी में कटिया फांसने वाले तार को हटाते दिखे। इतना ही नहीं, इस काम में महिलाएं भी शामिल थी। जमीन से 1 फीट की ऊंचाई से ये ड्रोन तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखते ही देखते ये ड्रोन कैमरा 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां केविन शिम्प नाम का ये शख्स इस टॉवर के टॉप पर बल्ब चेंज कर रहा है। केविन जिस ऊंचाई पर खड़ा है यहां से नीचे देखने के लिए कलेजे की जरूरत होती है। ये ऊंचाई इतनी है कि अगर कोई यहां से गिर जाए तो उसके शरीर के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। लेकिन केविन शिम्प के साथ ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो इसी काम में पारंगत है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसे एक बार बल्ब बदलने के एवेज में 16 लाख रुपए मिलते हैं। केविन की यह जॉब जोखिमों से भरी है। उसे साल में 2 बार इस टॉवर पर चढ़कर यह बल्ब बदलना होता है। दरअसल टॉवर की हाइट ज्यादा होने के कारण प्लेन और फ्लाइट के टकराने का खतरा होता है, इसीलिए इस पर लाल रंग की लाइट लगाई जाती है ताकि इस लाइट को देखकर पायलट अलर्ट हो जाएं। 1500 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़कर बल्ब लगाने का यह ड्रोन वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल है। ऐसा ही एक नजारा नीदरलैंड के रॉयल बर्गर्स जू में देखने को मिला, जहां एक ड्रोन ऑपरेटर चिंपैंजी के ग्रुप का वीडियो शूट कर रहा था। चिंपैंजी को ड्रोन से परेशानी हो रही थी। उसने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ड्रोन चिंपैंजी के नजदीक आया, इसने इतनी जोर से छड़ी ड्रोन पर मारी कि ड्रोन गुलाटियां खाता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा। उत्तरी कैरोलिना के रैंडोल्फ काउंटी में एक बार एक 82 वर्षीय दिमागी मरीज महिला के लापता होने की सूचना मिली। तमाम कोशिशों के बाद भी वो महिला नहीं मिली तो पुलिस ने उसे खोजने में एक ड्रोन की मदद ली, जिसके बाद ड्रोन ने सिर्फ 25 मिनट में ही मक्के के खेत में उस महिला को ढूंढ निकाला। दरअसल ये औरत इस खेत में चली गई थी, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन ड्रोन की मदद से ये महिला सही सलामत अपने घर पहुंच पाई। अगला फुटेज रशिया का है, जिसमें बर्फीले जंगल में पेड़ों के बीच उड़ते हुए एक ड्रोन के दृश्य को दिखाया गया है। इस वीडियो में एक आदमी के पीछे भालू भागता हुआ दिखाई दे रहा है। भालू से एनकाउंटर का एक खतरनाक मंजर इस ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। जाहिर है इस घटना के बाद तो ये बंदा फिर से जंगल सफारी के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। इसी तरह ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो देखकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। देखिए पानी में तैर रही इस बोट को किस तरह इन 3 खतरनाक शार्क्स ने तीनों तरफ से घेर लिया। जरा सोचिए इस बोट में बैठे लोगों पर क्या बीत रही होगी।
इन शार्क्स ने काफी देर तक उस बोट का पीछा किया, जिसे देखकर बोट में बैठे लोग सहम गए थे। लेकिन आखिरकार ये बोट शार्क्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इतना तय है कि बोट में बैठे लोग शार्क्स एनकाउंटर का ये डरावना एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वीडियो समुन्द्र किनारे बसे स्विज़नोस्की शहर का है, जिसमें एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इंसानियत की मिसाल पेश कर पूरी दुनिया का दिल ही जीत लिया। दरअसल समंदर के किनारे एक ईगल दलदल में फंसकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन जब इस फोटोग्राफर की नजर इस ईगल पर गई, तो वो एक पल भी गवाए बगैर उसे बचाने के लिए दलदल में उतर गया। वो ना मालूम था कि ये दलदल इतना बदबूदार होगा कि कोई 10 सेकंड भी वहां खड़ा नहीं रहना चाहेगा। लेकिन फोटोग्राफर पर इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा और बड़ी हिम्मत करके उसने ईगल को अपने साथ ले लिया। इसके बाद शुरू हुई उन दोनों को वापस बाहर लाने की कवायदें। फोटोग्राफर के दोस्तों ने रस्सी खींचना शुरू किया, लेकिन इस गाढ़े दलदल से उसको बाहर खींचना इतना आसान भी नहीं था। बाहर खींचने की परेशानियों से आप फोटोग्राफर की तकलीफ को समझ सकते हैं। लेकिन आखिरकार इंसानियत की जीत हुई और दोनों को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उस नरम दिल फोटोग्राफर ने ईगल को नहलाया, उसके पंखों को अच्छी तरह से साफ किया। इंसानियत का फर्क महसूस करवाने वाली उसकी ये सारी कवायद ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फोटोग्राफर के इस नेक दिली के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। लोग ड्रोन कैमरे का क्या क्या यूज कर लेते हैं, ये समझना हो तो इस फुटेज से समझ सकते हैं, जिसमें एक आलसी मगर क्रिएटिव इंसान ने अपने कुत्ते को टहलाने के लिए ड्रोन के साथ भेज दिया। अब चूंकि कुत्ते के साथ ड्रोन है, तो उसके गुम होने का डर तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो एक महाशय ने हद ही कर दी, जिसने ड्रोन कैमरे से पान मसाला की पूरी लड़ी ही मंगवा डाली। इसी तरह ये वीडियो देखकर तो आप हक्के बक्के ही रह जाएंगे। देखिए, इस भैया जी ने ड्रोन कैमरे से मछली ही पकड़ ली। वाह जी वाह, भैया जी ने तो कमाल ही कर दिया। ड्रोन कैमरे में कैद ये फुटेज देखकर तो आपकी बांछें ही खिल जाएगी। देखिए कितनी सारी शार्क्स एक साथ जुगलबंदी करते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट का है, जहां ये दिल की आकृति कुछ और नहीं बल्कि बेन जैक्सन नाम के एक किसान द्वारा अपनी चाची को दी गई श्रद्धांजलि है। खास बात यह है कि इस हार्ट शेप को बनाने में सैकड़ों भेड़ों का सहारा लिया गया है। दरअसल जैक्सन की आंटी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन लॉकडाउन में बॉर्डर बंद होने के चलते जैक्सन उनके फ्यूनरल में शरीक नहीं हो सके, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंटी को शीप आर्ट के जरिए ट्रिब्यूट दिया। जैक्सन द्वारा उनकी आंटी को दी गई ये प्यारी श्रद्धांजलि ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिख रहे ये जीव कोई कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि सैकड़ों भेड़े हैं, जिन्हें ड्रोन कैमरे में शूट किया गया है। क्योंकि भेड़ों की आदत होती है कि वे आगे चल रही भेड़ को फॉलो करते हुए चलती है, ऐसे में जब भेड़ों का झुंड गुजर रहा था तो एक ड्रोन ऑपरेटर ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये शानदार नजारा ड्रोन में कैद हो गया। वीडियो में देख सकते हैं कि आगे की भेड़ें जहां भी जाती हैं, बाकी की भेड़ें उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आती हैं। इसी दौरान एरियल व्यू में कई अलग अलग डिजाइंस बनती दिखाई देती हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। इसी दौरान जब ड्रोन कैमरा नीचे उतरने की कड़ी में एक भेड़ के पास से गुजरा, तो भेड़ ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। ये नजारा भी उसी ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मार्च 2020 में फ्लोरिडा बीच पर एक ड्रोन कैमरे में कैद ये नजारा भी अद्भुत है, जिसमें हजारों की तादाद में मुलेट प्रजाति की मछलियां कैरोलिनाज और जॉर्जिया के तटों से दक्षिण में फ्लोरिडा के तटों पर माइग्रेट होती देखी जा सकती है। इतनी मछलियों को देखकर कई शिकारी मछलियां भी वहां दिख रही हैं। जैसे जैसे ये मछलियां शिकार के लिए आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मछलियां उनके रास्ते से हटती जा रही है। खुशकिस्मती से ये नजारा ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो थाईलैंड के नाखोन पंथोम प्रांत का है, जहां चावल के खेत में 10,000 बतकों को एक साथ छोड़ा गया। ड्रोन कैमरे में कैद इतनी सारी बतकों को देखकर सब दंग रह गए और पूछने लगे कि इस खेत में इतनी सारी बतकें क्यों छोड़ी गई। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है।
दरअसल इस बतखों को खेत में मौजूद कीड़ों और पुरानी फसलों के भूसे का सफाया करने के लिए छोड़ा गया था। साथ ही इतनी बतखों के चलने से जमीन भी समतल हो जाती है, जिससे खेत जोतना आसान हो जाता है। वहीं बतखों के लिए कुछ दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को पैड लाई थूंग कहते हैं, जिसे थाईलैंड के किसान काम में लेते हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी पार्टी का वीडियो ड्रोन से शूट करवा रहे थे, तभी कैमरे में एक ऐसा फनी मोमेंट कैद हो गया जिसने इस पार्टी को यादगार बना दिया। वीडियो शूट करते समय ड्रोन जब नीचे की तरफ आया तो एक महिला पोज देते हुए जीप निकालने लगी। ऐसा करते हुए वो पीछे स्विमिंग पूल में जा गिरी। ये देख उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसे वहां से निकाला। ये नजारा देख पार्टी में मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई। महिला खुद भी हंस पड़ी और माहौल खुशनुमा हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ड्रोन वीडियो में एक शख्स समुद्र की लहरों में सर्फिंग कर रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 50 फीट ऊंची लहर आती है और शख्स इसमें फंस जाता है। दूसरा आदमी जेट के सहारे इसको बचाने आता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। और इस बार फिर इससे भी खतरनाक लहर ने आकर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। पर बंदा हार नहीं मानता और दोनों समुद्र की इस ऊंची लहर को चीरते हुए तैर कर बाहर निकल आते हैं। अपने घर के ऊपर मंडराते पड़ोसी के ड्रोन से परेशान होकर यह आदमी घर से बंदूक लाता है और उसका वीडियो शूट कर रहे ड्रोन को ही शूट कर डालता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।